मौजूद है। आप कहाँ से आए? मणिनगर, अहमदाबाद। आप अहमदाबाद से? आप कहाँ से? मुंबई। मुंबई। आप मुंबई से? वडोदरा। वडोदरा। आप? अहमदाबाद से। लखनऊ से? आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। आप कहाँ? आनंद। आनंद। द्रांगद्रा गुजरात। आप? बड़ौदा से। आप? दिल्ली से। क्या मुझे कहने की कुछ जरूरत है कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर मौजूद है? दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, अहमदाबाद, वडोदरा, हर कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आने की मुख्य वजह जाहिर तौर पे मोदी जी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपको कभी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो? नहीं, ये पहली बार है। पहली बार इतना बड़ा इवेंट यूएसए में हो रहा है, ह्यूस्टन में, टेक्सास में नहीं, यूएसए में इतना पहली बार इवेंट है। हम सब काफी एक्साइटेड है इस चीज के लिए। हर हर मोदी। यहाँ पर अब सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं। वहां पर देखे आप, सूर्य की किरण यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ह्यूस्टन की अगर बात की जाए, भारत में भले ही इस वक्त 7:30 बज रहे हैं, लेकिन ह्यूस्टन में 9 बज रहे हैं। ये वो समय है जब कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन ये देखिए, लोगों का जश्न कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप कहाँ से आए? लखनऊ से। लखनऊ से आप खाली इसके लिए? नहीं नहीं, यहाँ रहता हूँ। यहाँ ह्यूस्टन में रहता हूँ। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। तो एक बात बताइए, ये जो राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और इस इवेंट ने एक तरीके से बाधित कर दिया उनको कि वो भी आ जाए? बाधित नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। हमारा सुपर पावर अभी बढ़ रहा है, वो देख रहा है दुनिया। कॉल्ड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। इंडिया इज राइजिंग, बिलियन वॉइसेस। इफ इंडिया गेट्स द पावर, हिंदी में बात कर ली, अगर इंडिया का पावर बढ़ेगा, इंडिया के लोगों का बाइंग पावर बढ़ेगा, तो पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी ऊपर जाएगा, सभी को फायदा होगा। भारत में दम है इसलिए आना तो पड़ेगा। सही बात है। इंडिया पीसफुल तरीके से कर रहा है। इंडिया इज गोइंग वेरी गुड, पीसफुली टेकिंग ऑल द वर्ल्ड इनटू कंसीडरेशन एंड गोइंग विद देम, नॉट अगेंस्ट देम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ह्यूस्टन का जो भारतीय है वो ओवरऑल थोड़ा, भाई साहब कैमरा उधर, आप सामने से जगह दे दीजिए मुझे दिखने की थोड़ा सा। हाँ, ह्यूस्टन का जो भारतीय है उसका दिल तो भारत में बसता है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते पर उसकी क्या? भारत और अमेरिका का यहाँ पे तो हिंदुस्तानी तो एवरीथिंग इज लाइक, जो पारसी लोग बोलते थे उजवाड़ा में आके कि फूल मिल गए, उसी तरह हम लोग मिल गए। हमको अमेरिका से कोई वो डिफरेंस नहीं है, वी आर ऑल वन एज। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, भारत और अमेरिका के रिश्ते आपको लगता है कि थोड़े और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं? It will be very strong. कैसे? Economically and India will prosper us because multicultural will be there. Common with America. जी 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 हाँ। Yeah, we are requesting dual citizenship for American citizens. अच्छा। Peace का नाम है जो हम Indians, we talk only about peace. हमने आज तक किसी भी मामले में ये नहीं करा कि भी हम इस टाइप से aggression में हैं, वो aggression है. It's only about peace and we will win with peace. मुझे एक बात बताइए, ये मोदी साहब का पावर है? दो दुनिया के दो बड़े डेमोक्रेसी अगर साथ आते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती होती है तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं वापस अब आपको लेके जाऊंगा, मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त मेरे साथ है। गौरव, बैक टू यू। सो देयर इज ट्रेमेंडस एक्साइटमेंट एंड यू नो, इस समय जो यहाँ भारतीय मूल के लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में है, उनका उत्साह देखते ही बनता है। एंड ऑन इंडिया टुडे वी नाउ वांट टू टेक आवर व्यूअर्स थ्रू टू व्हाट्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड एट ह्यूस्टन। तो गौरव और निशांत सीधे ह्यूस्टन से लगातार ये अपडेट्स हमारे सामने रख रहे हैं, लेकिन इन सारी तस्वीरों को देखकर मैं अपने सभी मेहमानों से, सुशांत सरीन भी हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, मैं सबसे जानना चाहूंगी कि इस समय आपके मन में क्या चला ये तस्वीरों को देखकर, लोगों के उत्साह को देखकर। देखिए, तीन चार चीजें हैं जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है। एक तो जो उत्साह है वो देखने को ही बनता है, और वो जो एक क्लिप दिखाया गौरव ने कि भारत के जितने रंग हैं
वो सारे के सारे दर्शाए जा रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं वो भी ये हैं कि सिर्फ मात्र एक शहर से नहीं, तमाम जो अमेरिका है वहाँ से लोग इस समारोह के लिए जुड़ रहे हैं और कुछ बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन लोग भी मोदी जी के दर्शन करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ और जो शायद एक लिहाज से ज़्यादा अहम है एक सामरिक दृष्टि से, कि शायद ही कोई ऐसा समारोह होगा अमेरिका में यूएस कांग्रेस को छोड़ करके कि जहां पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स एक ही स्टेज पर इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें ट्रंप साहब के विरोधी और उनके समर्थक रिपब्लिकन पार्टी से और उनके विरोधी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो एक, अब अगर तो मोदी जी अमरीकी राजनीति को एक लिहाज से अपने अराउंड जोड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होगी, ये भारत की भी एक उपलब्धि इस लिहाज से है क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं कि 50,000 लोग स्टेडियम में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की टेलीविजन कवरेज हो रही है तो ये तो एक कोई बहुत बड़ा रॉक शो या आप समझिए कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो होता है, ये तो मिलियंस में जाएगी इसकी जो जो व्यूअरशिप है इस समारोह की, सिर्फ अमेरिका में नहीं लेकिन दुनिया भर में। तो मेरे ख्याल ये भी एक बहुत अहमियत रखती है बात कि एक समारोह करके आप कितने लोगों के साथ आप अपनी आउटरीच कर रहे हैं। और फाइनली कि जिस तरीके से अगर भारतीय समुदाय जो है अमेरिका में, और ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ गौरव ने वहाँ पर बताई कि भारत अगर जन्मभूमि है तो अमेरिका को वो कर्मभूमि की तरह ट्रीट करते हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन वो जो कर्मभूमि है भारतीयों की वो एक लिहाज से जन्मभूमि के भी काम आ सकती है। और हमारे लिए जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं वो ये कि एक, जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में बसते हैं उनको कैसे भारत की डेवलपमेंट के लिए उनको यूज़ किया जाए ताकि यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स आए, और दूसरी कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, अब पाकिस्तान देखिए डींगे मार रहा था कि हमारे उनके तो टैक्सी ड्राइवर वगैरह टाइप के लोग हैं वहाँ पर, लेकिन वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चिट्ठियाँ लिख के उनसे कश्मीर के ऊपर गुहार लगा रहे हैं। तो ये जो पावर है भारतीयों की, मेरे ख्याल इसको भी भारत के लिए एक लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है ये दिखाने के लिए कि जो एक दुष्प्रचार चल रहा है कश्मीर को लेकर के वो क्यों ठीक नहीं है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो मोदी जी के लिए तो है उपलब्धि, लेकिन भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर ये समारोह अच्छी तरीके से निकल जाए। क्योंकि सर हमने जब पहले भी देखी तस्वीरें जैसे जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, पूरी तरीके से इंटरनल मामला, लेकिन इंग्लैंड जैसे देश में हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने लोगों को वहां पर भेज के और उसके बाद भारतीय दूतावास के बाहर इस तरह का कोहराम मचवाया, वो पाकिस्तान ने अपनी नीची सोच को दिखा दिया था। भारत ऐसे दिखाता है कि हम स्ट्रांग हैं। श्वेता जी आपने बिल्कुल ठीक बोला है, आज जो जीत हुई है वो जीत है एक रास्ता जो सच्चाई के ऊपर में है। आज जो हम देख रहे हैं अपने सामने में कि फेक क्या होता है असली क्या होती है और किस स्तर पर ये हर्ष उल्लास है, लग तो ऐसा रहा है इमोशनली कि कोई शायद रॉक स्टार का शो है, लग रहा है कोई मेगा शो है। और ऐसे ऐसे शो के अंदर में जहां पर इतना उत्साह हो, जो भारतीय समुदाय है उनके अंदर में एक आशा है, एक एक उनके अंदर में एक अलग से जोश आ गया है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत का सेल्फ वर्थ है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। अगर इंटेलेक्चुअली आज के इस दृश्य को देखें तो इसका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नेचुरल पार्टनरशिप जो हम बोलते आए हैं वो दिखने को मिल रहा है। और अगर हम बहुत बारीकी में जाएं कि रास्ता कहां पर जाने वाला है तो इसका असर अवश्य इकॉनमी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, और ये जो हमारा जैसे अभी हमने देखा था, जैसे आप बता रहे थे कि हमारे डिफेंस की एक्सरसाइज, हमारे जो आपस में ट्रेनिंग करते हैं, आपस में जो इंटरऑपरेटेबिलिटी है उसमें बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन आपने बार बार एक बहुत अच्छी फोटो दिखा रहे हैं कि जो सबसे पहला कार्य हुआ, जो श्री गणेश हुआ, जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री जी ने वो गिरा हुआ फूल उठाया, ये दिखाता है कि क्या सिंप्लिसिटी है, क्या पॉइसनेस है, क्या सच्चाई है।
अगर आप इसको कंपेयर करें जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कोशिश की एक फेक रिपोर्टिंग की, एक सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने के लिए, उनकी जो एक बहुत नीचे स्तर की एक प्लानिंग थी कि किस प्रकार प्रोटेस्ट करें, आपने देखा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री ने जो उनका फोकस ही था वहां पर, क्योंकि ह्यूस्टन जाना जाता है एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, जाते पहले दिन $1 trillion का उन्होंने 17 सीईओ के साथ में मीटिंग की जी। उनका उनका थैंक यू बोलने के लिए कश्मीरी पंडित आए, सिख्स आए और मुस्लिम समुदाय जो अमेरिका में वो आए, और एक अलग से एक कश्मीरी ने आकर उनका हाथ छुआ। ये जो चीजें होती है एक बहुत ऊंचे दर्जे की होती है, दिल से आती है, आत्मा से आती है, इसमें कोई थिएट्रिकल या कोई इसमें ऑप्टिक्स की बात नहीं है। आप दिल में सोचिए कि कश्मीरी पंडित 1990 से क्या सोच रहे होंगे, और जब 5 अगस्त को उन्होंने पाया कि भारत ने एक अलग रास्ता ले लिया, एक अलग नेशनल रिजॉल्व, नेशनल विल दिखाया है कश्मीर के मामले में, उनके दिल में क्या हर्ष होगा। वो आज इसी बात को एक महसूस करने के लिए, एक आत्मा के लेवल के ऊपर में एक सामूहिक भारतीय जो सोच है उसको उसका मजा उठाने के लिए। और इसीलिए आज ये खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और लोगों का ऐसा उत्साह, जो पलक पावड़े बिछा कर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं।